नाबालिग दोस्त से निकला नाबालिग दोस्त का हत्यारा, प्री प्लान की हत्या, पैसा लेने की कहकर ले गया, घटनास्थल पूछताछ जारी। जिले के देहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बरोदी के पास 24 सितंबर को छात्र मिलन धाकड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि 10वीं का छात्र मिलन धाकड़ उम्र 15 साल 24 सितंबर को सुबह 7:30 बजे घर से स्कूल के निकला था। इसके बाद बरोदी के पास घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। डॉक्टर ने जिला अस्पताल में छात्र को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद धाकड़ समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आज 25 तारीख को भी माधव चौक चौराहे पर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एसपी अमन सिंह राठौर ने बताया कि 24 सितंबर को सुबह सूचना मिली थी कि बरोदी के पास एक शव मिला है, जिसे जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद हत्या के आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। स्कूल की कहकर निकले छात्र ने पहले अपने दोस्त को उठाया, उसके बाद झांसी तिराहा गुना बायपास बरोदी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसके साथ उसका दोस्त 16 साल का नाबालिग पीछे बैठा हुआ था, जो कि अपना मुंह छुपाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसके बाद 15 सितंबर यानी आज सुबह नाबालिग आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। एसपी ने बताया कि दोनों नाबालिग अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे और कोचिंग एक ही जगह जाते थे। इस तरह से मित्रता को लेकर आरोपी के मन में कुछ आया, इसके चलते वह अपने दोस्त को ये कहकर ले गया है कि पैसे लेना है। दोनों बरोदी के लिए निकले थे। छात्र को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, इसलिए बिना झिझक के वह स्कूटी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद नाबालिग दोस्त ने घटनास्थल पर ले जाकर उसकी पत्थर से पटक पटक कर हत्या कर दी और उसके इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से वापस आ गया। इसके बाद वह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चार्ज भी करता रहा। एसपी ने बताया कि बाकी पूछताछ नाबालिग से जारी है। के साथ बैठ के जाते हुए दिखाई दिया, तो ये स्पष्ट था कि सबसे पहला संदेह उसी व्यक्ति के साथ होगा जो मृतक के साथ देखा गया है। मृतक है वो गाड़ी चला रहा था और जो संदेही था वो उसके पीछे बैठा हुआ था। उसके बाद में पूरा ट्रैक हमने बनाया, सारे कैमरों से कैमरे आगे से आगे जोड़ के अलग अलग टीमों को अलग अलग जोन दे दिया, घटनास्थल से पहले का उसके आगे का, क्योंकि ये भी स्पष्ट है कि घटना करिए तो उसके बाद में आरोपी वहां से भागेगा, किस तरफ भागा है। ऐसे करते करते हमने आरोपी को चिन्हित किया। आरोपी जो है वो मृतक का ही एक दोस्त निकला है, उनकी मित्रता थी। चूंकि आरोपी 18 साल से कम उम्र का है तो उसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की भाषा में विधि विरुद्ध बालक कहते हैं, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो उनकी पहचान उजागर यहाँ नहीं की जा सकती। उसको बाद में जो हमारा पुलिस वेलफेयर ऑफिसर बोलते हैं, चाइल्ड पुलिस वेलफेयर ऑफिसर, उनके द्वारा उनको अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ की गई, घटना उन्होंने स्वीकार करी क्योंकि सारे एविडेंस ही स्पष्ट थे, उन्होंने स्वीकार करी। और जो मृतक की स्कूटी थी, जो सबसे बड़ा एविडेंस था कि स्कूटी कहाँ चली गई, वो स्कूटी भी जो विधि विरुद्ध बालक है उसके पास ही मिली, उसे जब्त करी गई। घटना कारित करने के बाद में वो कहाँ कहाँ गया था, इतनी देर कहाँ रहा, तो वो जहाँ जहाँ गया था कुछ जगह उसने अपनी गाड़ी की बैटरी भी चार्ज करी, उन लोगों के भी बयान लिए गए। सभी लोगों ने इस घटना की पुष्टि करी कि हाँ ये बच्चा यहाँ देखा गया था, यानी जो उसका वर्जन था जो उसने हमें बताया, हमारी टीम को बताया, वो मैच कर रहा था बाकी सारे एविडेंस से। इसमें एक बड़ा प्रश्न जो बार बार आ रहा है कि वजह क्या रही। दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, कोचिंग साथ जाते थे, बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मित्रता को लेकर के कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है बच्चों की, उसको लेकर के टिक्का टिप्पणियाँ हुई, इस पक्ष ने भी करी उस पक्ष ने भी करी, और वो बात कहीं ना कहीं आरोपी के मन में बैठ गई। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, घटना प्री प्लान थी, बहुत शॉर्ट समय में घटना हो गई। लगभग 7:20 पे रवाना हुए और 7:50 के बाद में घटना करके वो निकल गए, यानी उसका फिक्स था कि यहाँ पे ले जाके उसको उसने भुलावे में रखा मृतक को, बच्चे को, उसको ये बोला कि किसी से पैसे लेने हैं अपने को, चल घूम फिर के आते हैं, वो भी इसके बुलावे में आ गया। हम फुटेज भी अगर देखेंगे तो बहुत कंफर्टेबली बैठ के खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो बच्चा, तो निश्चित तौर पर उसे आभास नहीं था कि भाई जो दोस्ती है जिससे वही ऐसी घटना कारित कर सकता है। अब बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो विधि विरुद्ध बालक है, वहाँ पे पेश किया गया है। उन्होंने अभी उसे रिमांड हाउस गुना का जो रहता है वहाँ पे भेज दिया गया है। जल्दी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट की जाएगी, एविडेंस बहुत स्ट्रांग है। आगे अब इसमें न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय इसका विचारण जल्दी शुरू करेगा।